अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल यानी तमाम चीज़ें चमकीली और ख़ूबसूरत होती हैं। डू यू एवर थिंक अबाउट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू? क्या आपने कभी इस खूबसूरत दुनिया के बारे में सोचा जो आपके इर्द गिर्द है? रिसाइट एंड एंजॉय द फॉलोइंग पोएम एंड नो द मेकर ऑफ द वर्ल्ड। इस नज़म को जो नीचे दी गई है इसको पढ़ो और इसका लुत्फ़ उठाओ और जानो इस दुनिया को बनाने वाले के बारे में। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तमाम चीज़ें खूबसूरत और चमकीली होती है। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, तमाम क्रिएचर्स, तमाम पैदावार जो है होती है वो बड़ी और छोटी भी होती, बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, तमाम चीज़ें अक्लमंद भी होती हैं और हैरान कन भी होती हैं। द थिंग्स गॉड मेड देम ऑल, इन सब को खुदा ही, इन सब चीज़ों को खुदा ही बनाता है। ईच लिटल फ्लावर दैट ओपन्स, हर छोटा फूल जब वो खुलता है। ईच लिटल बर्ड दैट सिंग्स, हर छोटा परिंदा जब वो गाता है। ही मेड देयर प्रेटी कलर्स, वो अपने खूबसूरत रंग बखेरते हैं। ही मेड देयर लिटल विंग्स, वो अपने छोटे छोटे पंख निकालते हैं। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, यानी हरे जंगल में लंबे लंबे दरख्त। द प्लीजेंट समर सन, और खुशगवार गर्मियों में खुशगवार धूप। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, बागों में पके हुए फल। ही मेड देम एवरीवन, वो हर एक को बनाता है, इन हर चीज़ों को वो ही बनाता है। He gave us eyes to see them, इसने हमें देखने के लिए आँखें दी। And lips that we might tell, और होंठ दिए हमें बोलने के लिए। How great is God Almighty, ये खुदा कितना बड़ा है। Who has made all things well, जिसने ये इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बनाया है। तो बच्चों, इस नज़म को C.F. Alexander ने लिखा है। आज के लिए हमें इतना ही काफ़ी है। ये नज़म मुकम्मल हुई तो हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह दूसरी क्लास में। थैंक्स।